दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूबर हो, वीडियो क्रिएटर हो, आप भी मेरी तरह एक वीडियो बनाते हो, तो आपको कई बार अपने वीडियोस पर कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, किसी चीज़ को अच्छे से क्लियर करने के लिए कई बार आपको ज़रूरत पड़ती है कि आप जो चीज़ बता रहे हो ना, उसको साइड में दिखाते भी जाओ। मतलब मोबाइल की स्क्रीन साइड में रहेगी और जो चीज़ आप बताना चाहते हो आप बताते भी जाओगे और साइड में आप दिखाते भी जाओगे। ये चीज़ कई सारे लोगों को पता होती है, लेकिन कई सारे लोगों को नहीं पता होती। जिनको ये चीज़ नहीं पता, उनके लिए वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला, क्योंकि सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा कैसे आप अपने एक वीडियोज में दूसरे वीडियो को मर्ज कर सकते हो। मतलब कैसे आप जो भी बताना चाहते हो ना, उसको साइड में आप दिखा भी सकते हो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के जरिए दिखा भी सकते हो। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला, अगर आप भी चीज सीखना चाहते हो तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद राजपूत बहुत बहुत स्वागत करता हूँ वीके टेक्निकल भैया में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, इस चीज का बिल्कुल सिंपल तरीका है। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, जो भी वीडियो आप रिकॉर्ड कर रहे हो ना, मान लो आप फेस कैम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, तो सिंपल से आपको अपना वीडियो रिकॉर्ड करते जाना। सिंपल से जैसे मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सिंपल से वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। अब जहां पर भी आपको कोई चीज एक्सप्लेन करनी है, जहां पर किसी चीज को आप अच्छे से समझाना चाहते हो, तो सिंपल सा आपको अपना एक दूसरा मोबाइल लेना है। अगर आपके पास दूसरा मोबाइल नहीं तो भी मैं अभी आगे आपको बताने वाला हूं। सिंपल सा आपको मोबाइल लेकर के और यहां पर आपको अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर लेना, ठीक है। जो मोबाइल में स्क्रीन रिकॉर्डिंग होता है या जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन होता है, उसको सिंपल सा आपको चालू कर लेना है। अब यहां पर जो भी चीज मैं यहां पर समझाना चाहता हूं, वो चीज यहां पर दिखा सकता हूं। जैसे यहां पर मैं कोई चीज आपको दिखाता हूं, जैसे यहां पर मैंने देखो गूगल ओपन कर लिया, गूगल पर कोई चीज सर्च करके, और यहां पर देखो मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। देखो वेबसाइट आ चुके हैं, इनके बारे में अगर कुछ बताना चाहते हो तो साइड में आप देख सकते हो, दिख भी रहा है और यहाँ पर मैं आपको बता भी रहा हूँ। और अगर आपके पास मान लो दूसरा मोबाइल है, तो करना क्या है, आपके पास पहले आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो शूट कर लेना, जो भी चीज आप बताना चाहते हो ना वो पहले आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग में कर लेना है। उसके बाद जब आप अपना फेस कैम वीडियो बनाओ ना, तो उसमें आपको याद रखना कि क्या क्या आपने बताया हुआ है, वही चीज आपको बोल देना है। तो इसके बाद आप क्या देखोगे कि आपके पास दो वीडियो रिकॉर्ड हो जाएंगे, एक तो आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग मोबाइल में रिकॉर्ड हो जाएगा और दूसरा आपका फेस कैम वीडियो भी रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या होगा कि जिस भी एप्लीकेशन से आप अपने वीडियो को एडिट करते हो, चाहे जौन सा एप्लीकेशन हो, उसमें से आपको इन दोनों को मर्ज करना होगा। तो चलो मैं चलता हूँ काइनमास्टर एप्लीकेशन पर और वहां पर बताता हूँ कैसे आप अपने एक वीडियो पर साइड में मोबाइल की स्क्रीन अटैच कर सकते हो और कुछ भी समझा सकते हो। तो देखो यहाँ पर आ चुका हूँ सबसे पहले काइनमास्टर एप्लीकेशन पर, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पर मैं मीडिया पर सेलेक्ट करके जो दो वीडियोस बनाया हुआ है उनमें सबसे पहले मैं आपका फेस कैम वीडियो ले लेता हूँ, ठीक है। तो सिंपल से आप देख सकते हो फेस रिकॉर्डिंग वीडियो यहाँ पर मैंने ले लिया है। अब इस वीडियो को प्ले करके मैं देखता हूँ और देखता हूँ कि जहाँ से मैंने चीज़ बोला हुआ है, जहाँ से मुझे कुछ चीज़ समझाना है, वहाँ से मैं देखता हूँ कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी यहाँ पर मुझे सेट करना होगा। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपना YouTube वीडियो सही तरीके से कैसे अपलोड कर सकते हो। तो चलता हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर और आपको बताता हूँ किस तरीके से अपने वीडियो को आप अपलोड कर पाओगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आज को मोबाइल की स्क्रीन पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने अभी बोला कि मैं देखो यहाँ पर आ चुका हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर, तो यहीं से मुझे अब अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाना होगा। तो सिंपल से इसके लिए यहाँ पर आपको लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करके जो अभी आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करा हुआ है उसको सिंपल सा सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर जैसे आप इसको सिलेक्ट करोगे तो सबसे पहले तो आप जितना इसको छोटा या बड़ा करना चाहो उतना कर सकते हो। उसके बाद आप साइड में इसको स्क्रॉल कर सकते हो, ठीक है। जिस भी साइड आपको इसको स्क्रॉल करके सेट करना हो उधर आप इसको आसानी से कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर मैंने इसको साइड में स्क्रॉल कर दिया। उसके बाद ये अभी देखो लग नहीं रहा कि फ़ोन है, इसलिए यहाँ पर मैं इसमें एक फ्रेम भी लगा देता हूँ। यहाँ पर मैंने फ़ोन के कई सारे PNG फ्रेम भी डाउनलोड कर रखे हैं। तो चलो यहाँ से मैं कोई एक चूज कर लेता हूँ जो मुझे यहाँ पर सबसे अच्छा लगता है। यहाँ पर मैं कोई एक सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये देखो यहाँ पर मैंने एक मोबाइल फ्रेम सिलेक्ट कर लिया। तो इसको भी मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग जितनी बड़ी है उसके अनुसार इसको भी छोटा या बड़ा करके और सिंपल सा कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर दिया। अब जैसे मैं इस वीडियो को प्ले करूँगा तो जो जो चीज़ मैं वहाँ पर बोलता जाऊँगा वही चीज़ स्क्रीन रिकॉर्डिंग में दिखती भी जाएगी। और हाँ, यहाँ पर एक चीज़ आपको ज़रूर ध्यान देना है कि यहाँ पर आप जैसे दो वीडियो बनाओगे ना, आप एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग और एक फेस रिकॉर्डिंग, तो यहाँ पर दोनों में एक्चुअली में आवाज़ होती है, इसलिए यहाँ पर आपको जो आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग का आवाज़ होगा ना उसको यहाँ पर क्लिक करके आपका यहाँ पर 100 होगा, तो इसको आपको सबसे पहले तो 0 कर देना ताकि आपका डबल डबल आवाज ना दिखाई दे। तो चलो मैं फाइनली आपको दिखा देता हूँ कि मोबाइल की स्क्रीन अटैच करने के बाद कैसे आपका वीडियो प्ले होगा। जो चीज मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा वही चीज वहां पर आपको शो भी करती जाएगी। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपना YouTube वीडियो सही तरीके से कैसे अपलोड कर सकते हो। तो चलता हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर और आपको बताता हूँ किस तरीके से अपने वीडियो को आप अपलोड कर पाओगे।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो आज को मोबाइल की स्क्रीन पर मैं अपना ओपन करता हूँ YouTube, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैंने अपना YouTube ओपन कर लिया है। उसके बाद जिस भी वीडियो को आपको अपलोड करना है, सिंपल से सबसे पहले यहाँ पर जो आपको प्लस का आइकन दिखाई देता है, यहाँ पर आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर अपलोड वीडियो पर क्लिक करके और जो भी वीडियो है सिंपल से उसको सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर आपको नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करके और इसको यहाँ पर अनलिस्टेड करके इसको यहाँ से सिंपल सा अपलोड कर देना है। उसके बाद सारा कुछ आप अपना YT स्टूडियो एप्लीकेशन से ही मैनेज कर सकते हो, टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन लगा सकते हो। तो दोस्तों इस प्रकार से आप भी आसानी से अपने वीडियोस पर जो भी चीज आप एक्सप्लेन करना चाहते हो ना, उसको मोबाइल स्क्रीन रिकॉर्डिंग के जरिए साइड में दिखा सकते हो और बता भी सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको पता है कि मैं यूट्यूब से रिलेटेड हमेशा इस तरह के इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियो लाता रहता हूँ। और अगर आपका कोई भी डाउट हो, यूट्यूब से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो, आप मुझसे पूछना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, क्योंकि इंस्टाग्राम पर मैं आपको तुरंत रिप्लाई दे देता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। चलो फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो पर कुछ अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।